बैटरीज इन पैरल के अंदर, सपोज आपके पास एक बैटरी ई वन है हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन और ई टू विद आर टू और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये बैटरीज पैरल में सीधी कनेक्टेड हैं, प्लस विद प्लस, माइनस विद माइनस। और अगर ये उल्टा हो जाए तो रहेंगी तो पैरल में, पर एक बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स्ड है। तो फिर ई वन क्या करना है बताता हूँ, पहले इसको सीधा ही रहने दो कनेक्टेड। तो इसके अंदर मान लो जो करंट इसने कितना रिलीज किया आई वन और इसने आई टू, तो ये बैटरी के अंदर एंट्री भी पीछे से क्या होगी आई वन और यहाँ पर आई टू, क्योंकि बैटरी में से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना एंटर भी करेगा। तो आई वन आई वन आई टू आई टू, अब ये आई वन प्लस आई टू इसमें जाएगा, इसमें होके यहाँ पे आएगा, यानी कि आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू और फिर डिवाइड हो जाएगा इसको आई वन इसको आई टू, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से आई वन निकला, यहाँ से आई टू निकला। बैटरी का रूल क्या है कि अगर I1 बाहर निकला तो एंटर भी यहां पर पीछे से क्या करेगा I1, और I2 तो यहां पर I2, I1 प्लस I2 मिल गया इस वायर में, तो I की वैल्यू यहां पे क्या होगी I1 प्लस I2। तो यहां पर I की वैल्यू क्या होगी I1 प्लस I2, फिर करंट यहां पर फिर डिवाइड हो गया I1 ऊपर I2 नीचे। अब मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, कहां से, सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगाऊंगा ए, इस रास्ते पे लगाना चाहता हूं, ए से अगर मैं यहां पे जा रहा हूं बी पे तो क्या बनेगा माइनस आई वन इंटू आर वन, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ई वन प्लस ई वन, फिर मतलब पहले मैं पाथ बता दूं, मैं ये रास्ता इस रास्ते पे लगाना चाहता हूं किरचॉफ लॉ। तो जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं, इजी है थोड़ा, यहां से यहां जा रहे हैं तो माइनस आई आर, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई वन आर वन, फिर माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं दूसरा रास्ता ये चूज करना चाहता हूं, जो सेकंड पाथ है वो ई से लेके, या ये पाथ लेता हूं मैं, चलो यहां से ये पाथ ऐसे, इसमें भी क्या लगाऊंगा लूप में किरचॉफ लॉ, लगाना नहीं है आपसे, कोई पूछेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आपसे प्रूफ नहीं आता आपको। तो अगर मैं लूप नंबर वन और टू में किरचॉफ लॉ लगाऊं तो मान लो मेरे पास ये इक्वेशंस आती हैं, और अगर मैं पहली इक्वेशन को आर टू से और दूसरी इक्वेशन को आर वन से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इन्हें ऐड कर दूं, सिंप्लीफाई करूं, आपने नहीं करना, सिंप्लीफाई करके आपके पास करंट की ये वैल्यू आती है, ठीक। आपने क्या करना है बताता हूं, तो ये करंट आ गया, सिंप्लीफाई करके आपके पास कुछ ऐसा करंट आता है, ये करंट आएगा। अब इसमें जो करंट होता क्या है, करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस में सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और क्योंकि दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, तो आर वन आर टू इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। तो ये मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बाहर निकल के आ गया, क्या आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आज के बाद आपके पास अगर दो बैटरीज कनेक्टेड है पैरेलल में और आपको दो की जगह एक बैटरी लगानी है, तो फॉर्मूला ई वन आर टू ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, फॉर्मूला रजिस्टर में ये नोट करो, प्रूफ नहीं कोई पूछेगा और किरचॉफ लॉ लगाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ये फॉर्मूला सबसे काम की चीज है, इस फॉर्मूले को लिखो पहले, दो बैटरी की जगह एक बैटरी का ये फॉर्मूला है, ठीक। और अगर आप इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करो, कैसे, न्यूमिनेटर को R1 R2 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को R1 R2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर ये बन जाएगा E1 by R1, E2 by R2, E2 by R2, 1 by R1, 1 by R2। आपने क्या करना है, आपने एक तो ये फॉर्मूला नोट करना है, ये वाला इक्विवेलेंट ईएमएफ का, और एक ये नोट करना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर आप दोनों नोट करेंगे फॉर्मूला रजिस्टर में, मैं बताता हूं क्यों। और पैरेलल के अंदर चाहे बैटरी उल्टी या सीधी, आर इक्विवेलेंट तो यही रहेगा हमेशा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल में ही रहेंगी इसमें। ये फॉर्मूला दो बैटरी के लिए है, अगर मान लो तीन बैटरी होती तो ये फॉर्मूला क्या बनता मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला करवा रहे हैं, ये एक्सपेंडेबल है फॉर्मूला। कैसे, अगर तीन बैटरी है तो ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू, ई थ्री बाई आर थ्री अपॉन वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री, दो के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये सिर्फ दो के लिए एप्लीकेबल है,
ठीक है यहाँ तक, बस ये फायदा है इसका। तो ये एक्सपेंडेबल है, जितनी मर्जी बैटरी लगाते जाओ आंसर आता जाएगा। और अगर दोनों में से एक बैटरी उल्टी कनेक्टेड हो तो उसका साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। एक पॉजिटिव तो उल्टी है वो नेगेटिव।